ऐसे कर सकते अपना क्वेश्चन आंसर सेशन. कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन ताकि वो पूरी स्ट्रीम जो है ना हम उसको कर लें. जस्ट हाँ जी, और क्वेश्चन वाज के अब देखें हम किसी सोशल सेटिंग में जाते हैं ना विद आवर स्पेशल नीड्स चाइल्ड, ठीक है, तो जो दूसरे मतलब लोग होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता स्पेशल नीड्स का इतना, ऑफ कोर्स क्योंकि वो खुद पर्सनली वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे, तो मतलब बेसिकली ये होता है तो उनके लिए तो इनविजिबल ही है, उन्हें अवेयरनेस भी नहीं है, उनके लिए तो इनविजिबल ही है. तो डिफरेंस तो हमें पता है ना इनविजिबल और विजिबल डिसेबिलिटी में, तो उनको किस तरह आप मतलब कर सकते हो, किस तरह उन्हें बता सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो कि दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि ज्यादातर लोग वो तो फिर अजीब ही सीन हो जाता है. द पॉइंट इज दैट कि बहुत दफा ऐसा हुआ है कि जब पेरेंट्स मुझसे ये वाले क्वेश्चन करते हैं अबाउट यू नो द डिसेबिलिटी या इनविजिबल डिसेबिलिटी जिस तरह से हो गई है, या पीपल से दैट कि हम कहीं जाते हैं. देखिए, व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटिज्म की बात करें, चीजों की बात करें, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. और हमने बहुत दफ़े इन चीज़ों पर बात की कि जब कोई भी किसी के ऐसे बच्चे होते हैं तो उनकी सोशलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है. लाइक इट इज सो हाँ जी, डिफिकल्ट फॉर देम टू सोशलाइज विद दोज पीपल. ओके, अगर ये मसला, फिर हम वो लोग क्या करें? लाइक वेयर दे विल गो फॉर सपोर्ट, वट काइंड ऑफ सपोर्ट दे नीड. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा आपका कहीं जाता भी है, अब उसको लेके भी जाते हैं, सो उसको टेम्पर टेंट्रम्स या समटाइम मेल्ट डाउन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होते हैं वहां पर, लोगों को नहीं जाता, बच्चा परेशान होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है वहां पे. सो द जी पॉइंट इज दैट के जिन लोगों से आप डिस्कस करें, आप उनको किस कब तक जो है उनको जवाब देते रहेंगे? देयर इज अ क्वेश्चन ओवर हियर, लाइक कितने घर लेके जा रहे हैं? आपको पता है बहुत दफा तो मैंने लोगों को ये कहा, इवन अ लॉट ऑफ पेरेंट रिफ्लेक्ट ऑन दैट टू. इफ देयर चाइल्ड, इवन मैं जब बाहर लोगों के साथ काम करती, दे आर सेइंग द सेम थिंग, इफ माई चाइल्ड इज नॉट वेलकम एनी वेयर, देन इट मीन्स दैट आई एम नॉट वेलकम ओवर देयर टू. अब आपको पॉइंट समझ आए हाँ यहाँ? जी यू नो, जी आप जी जो जिन लोग जगहों पे आपको जब ये कहा जाता है कि अपने बच्चे के ये मसाइल और उनको वो कहा जा रहा है, और उसको उस चीज का ताना दिया जाता है, इसको हम ताना ही कहेंगे, जिसमें शायद उसका कसूर नहीं है, उसमें शायद किसी का भी कसूर नहीं है. लाइक दिस इज नॉट चाइल्ड से और विल और चॉइस, दिस इज नॉट द पेरेंट चॉइस इवन टू कि द चाइल्ड इज दैट, द चाइल्ड इज यू नो न्यूरो डाइवर्जेंट चिल्ड्रन चाइल्ड. सो द पॉइंट इज दैट कि वही बात है कि फिर आप अपने बच्चे को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, कितना वो सेफ है, उसके उसके इन्वायरमेंट तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट मीन्स दैट दैट इन्वायरमेंट इज नॉट सेफ फॉर यू, एंड दैट इन्वायरमेंट इज नॉट इवन सेफ फॉर योर चाइल्ड टू. आपकी मेंटल हेल्थ से डिस्टर्ब हो रही है इफ यू आर टेकिंग दैट चाइल्ड विद योर सेल्फ होते हैं. यस मैम, आई अंडरस्टूड, लेकिन फिर पॉइंट तो यही है ना कि मतलब ज़्यादा अवेयरनेस इस चीज़ की, इस डिफरेंस की, कि विजिबल डिसेबिलिटी इनविजिबल डिसेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, इस चीज़ की ज़्यादा अवेयरनेस तो फिर उन की ज़रूरत तो उन लोगों को है ना फिर, वेरी जिनकी मच खुद. पॉइंट, यू आर वेरी मच राइट हाँ ओवर हियर, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. जी पॉइंट, अच्छा आज इसको हम करने का पॉइंट ये था कि पूरी दुनिया में ना वो डिसेबिलिटी का डे सेलिब्रेट हो रहा है. सो मैंने उसको इसलिए अच्छा किया कि मैंने वाई टॉक अबाउट इनविजिबल डिसेबिलिटी, हाँ और जब मैं ये जी करूंगी तो फिर मैं इसको अपलोड करती हूँ. इट्स नॉट दैट कि इसको पर्सनल रखती हूँ, आई जस्ट अपलोड दोज रिकॉर्डिंग्स ताकि जो लोग देखें, जो तरीका मैं अप्लाई कर सकती हूँ लोगों को अवेयरनेस देने का. सो दैट इज द मेथड दैट आई थिंक ऑफ, और आई एम यूजिंग माई सेल्फ और आई एम यूजिंग माई फॉलो फॉर दोज थिंग, दैट्स व्हाई आई डू. ठीक है, अदरवाइज अगर आपने, आई डोंट नो आपने हमारे पहले उसमें आई हुई है रीडिंग्स में आई हुई कि नहीं आई, आवर टॉपिक्स आर वेरी डिफरेंट टॉपिक्स, इट्स नॉट लाइक दैट. तो इस तरह से करें, वो टॉपिक्स हमेशा डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, वो कभी हम एडीएचडी पे करते हैं, कभी हम स्टिमिंग पे करते हैं, सेंसिटिव डिफरेंसेस पे डिस्कशन की है, स्पीच पे अर्ली स्पीच क्या मेथड हो सकते हैं, पेरेंट्स की चीजों कैसे हो सकती है, पेरेंट्स अपने मेंटल हेल्थ कैसे केयर कर सकते हैं. सो वी हैव कवर्ड सो मेनी टॉपिक्स. एडीएचडी के मैंने चार तकरीबन सेशंस किए, पूरा वी मंथ किया था मैंने, ऑटिज्म के बहुत ज्यादा किए हुए. सो द रीजन वाज टुडे वाज डूइंग दैट कि ताकि व्हेनेवर व्हेन आई विल अपलोड दैट रिकॉर्डिंग, लोगों को मैसेज आएगा मेरे पे. जी मैम, एक्चुअली मैं आपका फर्स्ट ले रही हूँ अब फर्स्ट वो, लेयर मैं ना, अब इट्स अ सीरीज, जी बहुत ज्यादा मैंने किए हुए हैं. ठीक है, इंशाल्लाह आइंदा जो भी आप अपलोड करेंगी वो मैं देखूंगी, सुनूंगी इंशाल्लाह. बिल्कुल, आप मेरे साथ उस पर ऐड है, मैंने अपना जो नंबर है उस पर दे दिया था, मैं दोबारा आपको देती हूँ. ठीक है, हाँ मैं उसी ग्रुप में हूँ. जी जी गेट वाला बिल्कुल, यहाँ की अवश्य है, अब तो चला गया भैया. किसी और को कोई क्वेश्चन है?
जूफिशा अहमद, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही थी आप तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने पूरा सेशन अटेंड किया? हाँ नहीं, मैं लेट बड़ी लेट ज्वाइन किया बस अभी, नहीं नहीं इट्स तो ओके, इसलिए वो मुझे इतना टाइमिंग पता का इशू नहीं था, तभी जो है ना मैं इसको था। लगा दी थी रिकॉर्डिंग, ताकि जितने लोगों तक मैसेज जा सके, और उनको करने का मकसद यही है, इवन मुद्दा आई वुड लाइक टू टेल दिस टू यू, ताकि सबको समझ आए, जो आप एकदम से पेरेंट्स को जो एक जजमेंटल लुक दे के बात करते हैं ना कि ओ आपने तो उसकी तरबियत ठीक नहीं की है, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये जो एटीट्यूड है ना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल होना ही नहीं चाहिए। क्या आप उनसे क्वेश्चन करते हैं आपने अपने बच्चे की तरबियत कैसे की है? लेकिन आप सोसाइटी को यहाँ पे देखें, दो तीन तरीके होते हैं, या तो आप जो है सरकमस्टांसेस अपने बच्चे के लिए ऐसे बनाएं ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, इन द सेंस कि उसको इंडिपेंडेंट करे, सो या तो आप लड़ाई सोसाइटी के साथ लड़ें, या फिर आपने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करें, तो फिर दैट इज योर पॉइंट कि आप कौन सी फाइट लड़ना चाहते हैं, आप किस चीज पे काम करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए हमने एक वर्केबल परस्पेक्टिव जी देना ना पेरेंट्स को, बिकॉज पेरेंट्स फील सो मच पेन ऑल द टाइम कि अपने बच्चे के लिए क्या करें, और क्या चीजें हो रही हैं, प्रॉब्लम उनको डिफरेंट लाइफ में फेस करनी पड़ रही होती है, बट दे नीड टू डू, सो दैट्स ऑल अबाउट दैट। आपका कोई चैनल है? ओके यस, यूट्यूब पे मेरा है, okay, आपका कोई चैनल है? फेसबुक पे है, या इट्स आई एम ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पे एक ही नाम से हूँ मैं, ओके 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 सो यू कैन गो देयर, यू विल फाइंड इट ओवर देयर, डॉक्टर इला खान के नाम से है, ठीक है? मैं अगर आप मेरे आपने मेरे पे उसमें है, ग्रुप में है, आर यू इन माई ग्रुप? नहीं, मैं इसी वाले साइकोलॉजिस्ट मैं पढ़ने आपको अभी जब अपना नंबर देती हूँ लिखने उसके अंदर, इनबॉक्स के अंदर, ठीक है? ओके, अभी हमने क्या है, अभी हमें हमारे ज्वाइन किया, हमारे डू हैव एनी क्वेश्चन? मेरा फरहान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस, आई क्वेश्चन रिगार्डिंग टू चाइल्ड, मतलब एग्रेशन एंड मतलब वो बहुत ज्यादा थ्रोइंग एंड हिटिंग बिहेवियर उसका बहुत ज्यादा है। अब अभी थर्सडे को हमने इसका असेसमेंट करवाया था, तो दे सेड कि इसकी बिहेवियर थेरेपी करें कराएं। असेसमेंट रिपोर्ट है आपके पास? नहीं, वो जो लोग रिपोर्ट नहीं देते, कोई भी मैं रिपोर्ट नहीं देता मैम। द थिंग इज दैट इधर कोई आपको ना रिपोर्ट नहीं देता। हम तो लोगों को 10 10 15 15 पेज की भी रिपोर्ट दे रहे होते हैं, पीपल आर आई और डोंट हर थोड़े टाइम के बाद जैसे हर दूसरा बंदा उसके लिए यही एडवाइस करता है कि अब जब आपको पता है कि अगर उस बच्चे ने बैठ के कोई चीज को समझा ही नहीं है, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता, वो एस्केप कर लेता है, तो आप कैसे उसको बोल सकते हैं कि इसको तो कुछ आ ही नहीं रहा या इसको समझ नहीं आ रहा, और इसको बैक करा दें, इसको बैक करा दें, इसको वापस से बेसिक से स्टार्ट कराएं। जो आता है वो हर वक्त यही बोलता है, इसको बेसिक से स्टार्ट कराएं, इसको बेसिक से स्टार्ट कराएं। तो आपको फिर थेरेपिस्ट इसने इस बोल बात रही हूँ, को इज थेरेपिस्ट आर सेइंग दिस टू यू कि उसको बेसिक से स्टार्ट करें? बेसिक से स्टार्ट करने का क्या मतलब है? जी, हर सारे स्पेशल एजुकेटर भी बार बार इसको बोलते हैं अच्छा बेसिक से स्टार्ट कराएं, जहाँ इसको थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं वो भी वापस इसको बेसिक से स्टार्ट कराता है। तो जब और इसको मतलब फिर ये घर में भी कोई काम वगैरह नहीं करती कि अब इसको जैसे इसका मेंटल वर्क हो, इस तरह से भी मेरे ख्याल से इसका एग्रेशन और इसका हाइपरनेस बहुत ज्यादा है। तो बस वो मुझे जहां तक समझ में आता है, जितना मुझे समझ आता है, मुझे आता है कि जब बच्चे को बार बार हम बैक करेंगे तो बच्चा तो ग्रांटेड ले लेगा कि मेरे पर तो कोई मुश्किल डालता ही नहीं है, नो, जब मुझ पर कोई तो मुश्किल नहीं नहीं डालता तो लर्निंग बात ना, बेसिक की भी बात ना स्टेप वाइज करने की होती है, कि हमें हर चीज स्टेप वाइज करनी होती है। अगर आपने सेशन पूरा अटेंड किया तो उससे मैंने जो चीजें ना, जब हम उसके डिस्कस कर रहे थे, कि हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि उसकी कौन सी स्ट्रेंथ है, उसको हमें आगे लेके चलना होता है, ये चीजें कि आपको नहीं आता तो मैं जो है ना वो उसके पीछे लग जाऊं कि तुम्हें ये नहीं आता उसको करना ही करना है, या तो उसके नेगेटिव चीज के पीछे पड़ जाओ। पॉइंट इज दैट कि उसकी स्ट्रेंथ भी होती है, आपने उनको भी देखना था। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक बच्चा आएगा उसको पोइम पसंद होगी, तो आई विल यूटिलाइज दैट पोइम, उसको मैं ये नहीं कहूंगी तुम आप पोइम छोड़ के तो मेरे साथ एबीसी पढ़ना शुरू कर दो, इट विल नेवर बी लाइक दैट, और बच्चा काम ही नहीं करेगा। उसका अभी तक कोई इतना खास खास हम खास कोई स्ट्रेंथ या कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो जो कोई कर रहा होता है ना, उसकी देखा देखी में वो थोड़ा टाइम करती है फिर छोड़ देती है। ठीक ओके, द थिंग इज दैट आप ऐसा करें, इफ यू हैव माय नंबर, मुझे मेरे साथ थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री वगैरह शेयर करें, फिर मैं इसको देखती हूँ, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम इज है, दैट फिर ऑनलाइन मुझे की लगता है कि आप बहुत कंसल्टेशन सी चीजों वगैरह को मिल जा सकती चुकी है हैं। आपसे सॉरी, इससे, मतलब इससे कंसल्टेशन वगैरह मिलती होगी पेरेंट्स को कि आप हम लोग ऑनलाइन आपसे कंसल्टेशन आई एम लेते डूइंग रहे ऑनलाइन और सेशन, इससे मैं खुद बच्चों पे के ऑनलाइन काम सेशन करते रहे। करती हूँ। यस आई एम डूइंग दैट, मैं काफी टाइम से कर रही हूँ, मैं कोविड से पहले से काम कर रही हूँ। मैं अभी जो है ना यहाँ पे अपना इनबॉक्स में ना अपना नंबर देती हूँ। ठीक है।
नंबर मैंने दिया हुआ एक्चुअली, आप देख लें मैसेज की चेक में जाके चेक करें, वहां पे नंबर है मेरा। ठीक है, तो मेरा जहां तक वैसे सोच जाती है, मैं कहती हूँ बार बार अगर ऐसे बच्चों को स्पेशल में डालेंगे और इसे बैक करवा देंगे ना, और इंडिपेंडेंट नहीं बनाने की अगर कोशिश करेंगे, तो फिर शायद एक वक्त आएगा जब बच्चे कभी भी नहीं बनेंगे। यस यू आर वेरी मच राइट ओवर हियर कि जब तक आप बच्चे के ऊपर इंडिपेंडेंस के ऊपर काम नहीं करते तो बच्चे जो है ना वो स्किल जो है उसको अटेन नहीं करते। लेकिन द पॉइंट इज दैट के जो आप बेसिक की बात कर रही हैं, जब तक मेरे सामने केस की पूरी वो नहीं होती मैं बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। सो ओवर हियर मैं आपको सिर्फ जनरल बात बता सकती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट बेसिक और नॉन बेसिक, इट्स अबाउट कि बच्चों को क्या आता है, कितना आता है, उसको क्या लेवल है, उसको साउंड है, उसको समझ आती है नहीं आती, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, कमांड फॉलोइंग है नहीं फॉलोइंग है, इन सब को देख के जो है हमने उसकी पूरी वो डिसाइड करनी होती है, उसके बाद जाके हम करते हैं उसका ट्रीटमेंट प्लान, तभी कहीं जाके होता है। ठीक ओके सो डू थैंक यू सो मच। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अना? ओके थैंक यू सो मच अनम। बिनते सैयद, डू यू हैव, आपको कोई क्वेश्चन है? ओके चले। अगर आप माइक, चलिए आपको। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हाँ जी, एक्चुअली मेरी बच्ची है 3 साल की, तो वो स्पीच नहीं हो रहा, उसका बोल नहीं रही अभी तक। तो कुछ वर्ड्स अगर वो बोलना सीख भी जाती है तो एक दिन बोलती है, दूसरे दिन फिर वो भूल जाती है। मतलब पता नहीं, अब मैं इसलिए परेशान हूँ कि वो भूल क्यों जाती है। जो वर्ड वो सीख भी लेती है, मैं खुश हो जाती हूँ कि अब ये वर्ड से इससे आगे जाएगी, अच्छा फिर मुझे वो भूल बताएं, जाती है। ठीक है मुझे आपकी बात समझ आ रही है, आप किस लाइन पे वो कर रही हैं। क्या आपने इसको किसी थेरेपिस्ट को दिखाया, किसी डॉक्टर के पास इसको ले गई फिलहाल थेरेपिस्ट को नहीं दिखाया, फिलहाल थेरेपिस्ट को नहीं दिखाया। ऑनलाइन जैसे हैं? एक दो कंसल्टेशंस ली हैं, तो अभी मैं उसको थेरेपिस्ट को नहीं दिखाया, लेकिन मैं खुद ही मतलब घर में ही करवाती इट्स नॉट हूँ अबाउट दैट, ये आप प्रैक्टिस, जो घर जैसे में करवा ऑनलाइन रही हैं इट्स पे। वेरी गुड थिंग, लेकिन इवन देन आपको ना बच्चे को असेस कराना बहुत जरूरी होता है। देखिए हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, आपको फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, कुछ और हो जाता है, मतलब खुदा ना खासा कुछ भी हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाके ना बहुत हैप्पीली डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको अपने बच्चा दिखाते हैं कि मेरा बच्चा जाके जी देखें। आई एम सॉरी अगर मेरा वर्ड वर्ड हैप्पीली किसी को बुरा लगे यहाँ पे, लेकिन उसमें सोचे समझे बगैर आप दिया अपने डॉक्टर को दिखा, और बच्चे डॉक्टर से दवाई भी ले लो, उसको कंडीशन में सारी बता दी। लेकिन जब इस किस्म के मसाइल होते हैं, बिहेवियर का मसला होता है, चलने फिरने में मसाइल होते हैं, बच्चा नहीं बोल पा रहा, तो इन मसाइल का चेकअप करवाना भी बहुत जरूरी होता है। आप डॉक्टर के पास जाएं आपको, ताकि समझ आए कि बच्चे के साथ मसला क्या, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। अब हमें नहीं पता कि आपकी बच्ची क्यों नहीं बोल पा रही या क्यों भूल जाती है, बहुत सारी रीजंस होती हैं उसकी वजह से उसकी। ठीक है, आप प्लीज अपने बच्चे को लेके जाएं डॉक्टर के पास। ओके ओके। एक्चुअली ना मैं ये डिलेड है, मतलब ये चली भी बहुत देर से है, इसने बैठना भी बहुत देर से स्टार्ट किया है, तो सारा काम इसने देर से ही किया है। तब इसको अब न्यूरो फिजिशियन के पास मैं लेके जाती रही हूँ, इसके सारे टेस्ट क्लियर है, सुनना भी इसका ठीक है, सारे टेस्ट इसके क्लियर है ना। फिर पहले तो डॉक्टर ने बिल्कुल वो किया था कि ये अभी नहीं चल सकेगी, इसके ना मसल्स बहुत वीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिजियोथेरेपी वगैरह करवा के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है, वो चलना शुरू हो गई। लेकिन अब यही बोलने का इशू है, तो बोलने का टेस्ट बच्चे को तो हमें जी बोलने के लिए 100 दफा रिपीट करना पड़ता है एक लफ्ज को, तब वो जाके सीखता है, और कुछ बच्चे में सौ जी दफा ज्यादा इंटेंसिटी होती है, तो रेपिटेशन जरूरी होते हैं ये बहुत। बाकी बच्चे भी ऐसा करते हैं, उनको कोई चीज बोले वो कुछ ही सीखते हैं उसको भूल जाते हैं, तो रेपिटेशन यहाँ पे मस्ट होती है, तो आप बार बार बोलना पड़ता है, बार बार सिखाना पड़ता है उसको, जितना उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना उसको समझ आएगा। लेकिन आप डेफिनेटली अगर आप अपने बच्चे को फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके, आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी लेके जाए अपने बच्चे को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई किसी और कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने ना अपनी बेटी की ट्रेनिंग आजकल टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है, तो ऐसा है कि वो डिलेड माइलस्टोन्स के साथ है जो मेरी बेटी है। अब उसका ये मसला है कि वैसे जब मैं उसे टाइमली लेके जाती हूँ तो चलो वो वॉशरूम में ही करती है, लेकिन अभी वो बताने पर नहीं आई है। अभी मतलब इसको 2-3 मंथ्स हो गए हैं मैं उसको कर रही हूँ ना,
उसको ये किस तरह से मैं करूं कि वो मुझे बताए भी, मतलब मैं तो खुद ही देखती रहती हूँ उसके साइंस, जैसे पॉटी का भी मुझे फील होता है कि जैसे उसके अच्छा मुझे कुछ बताया आपकी उसमें, बेटी कम्युनिकेशन कितनी है उसकी, क्या कम्युनिकेट अपने नीड्स एंड वांट्स को करती है कि नहीं करती? वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस तो कर लेती है, वैसे वो डिलेस के साथ है, उसकी स्पीच भी अभी बहुत थोड़ी है, तो देखिए वो चीज लेकिन यहीं से आ गई कि उसकी स्पीच जो है ना, उसकी कम्युनिकेशन, उसका एक्सप्रेशन बहुत कम है। आप उसकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें, और स्पेशली उसकी वोकैबुलरी बिल्ड करें फॉर द वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर क्या चीजें होती हैं, क्या करना है, क्या और एक्शंस भी होते हैं ना, वो एक्शंस कार्ड मिल जाएंगे उसके लिए, ठीक है, वर्क ऑन दोज थिंग्स, जी ठीक है। अगर मतलब बोलने से पहले एटलीस्ट वो इशारा भी, देखिए कम्युनिकेशन बोर्ड आप वॉशरूम के बाहर लगा भी देते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी इन बच्चों के जिनका एक्सप्रेशन कम होता है। सो एटलीस्ट आपने कहा कि हैंड वॉश करें, ठीक है, और आपने टच कर लिया उस चीज को जो पिक्चर थी, ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्ची क्या चाह रही है। सो वर्क ऑन दोज थिंग्स, ठीक है, ताकि उसकी वो साथ साथ वोकैबुलरी बनती है उसके लिए। सो वॉशरूम के लिए उसकी वोकैबुलरी बनना बहुत जरूरी, जब तक उसको पता नहीं होगा मैंने कहना क्या, वो नहीं कह पाएगा, ठीक है जी। आप आई एम श्योर आपको आइडिया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जी। जी जब मैं उसे लेके जाती हूँ तो मैं उसे बोलती रहती हूँ, और ये भी है कि अगर कभी एक्सीडेंट हुआ है तो जब उसको ये पता लग जाता है कि कोई गड़बड़ हुई है तो आके ये है मुझे बताती है, कि इशारा करती है ट्राउजर में कि ये हो गया है, ये शुक्र है यहाँ तक तो आ गई है, बस मुझे ये था कि बस उसको हो मैं गया, आप ना प्रॉपर। उसके उस स्पेसिफिक वोकैबुलरी पे काम करें, स्पेसिफिक वोकैबुलरी से वॉशरूम की जो लफ्ज होते हैं बाथरूम के अंदर जो चीज होती है उसको वो पता होनी चाहिए, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम जो वॉशरूम के अंदर उसको हो रही है, बाकी भी उसको आनी चाहिए, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए उसकी स्पेसिफिक वोकैबुलरी अलग से होती है, डोर की है, वॉश करने की है, वाइप करने की अलग वोकैबुलरी होती है, तो उसको वर्क ऑन दोज वोकैबुलरी। आपका क्वेश्चन है मिस्टर असद, व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है आपका? मोहम्मद असद आपका हाथ खड़ा है, आप जी टाइप कर मैडम, लीजिए, आवाज नहीं आ रही थी। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी अभी आना शुरू हुई है, तो इसलिए आपके इसे आवाज में रेस ना किया शोर था बहुत आ मैंने। रहा है जी, बोले क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं, आवाज नहीं आ रही थी मैडम, इसलिए क्वेश्चन फिर हैंड रेस किया था मैंने। ठीक है, और से कोई कोई बात नहीं, अब शोर आपको आवाज आ जाएगी, वरना ये रिकॉर्डिंग में आप देख जी लीजिएगा, ठीक है, चल अगर आप चल, जरूरत बहुत है शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू जी। थैंक किसी यू। और का क्वेश्चन है? बिकॉज मेरा टाइम भी कम है, मुझे आके जाना भी है, बट आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम दोबारा मिलेंगे, ये मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जिनको जहन में क्वेश्चन आते हैं, हमारे टॉपिक डिफरेंट चेंज होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मुझसे डिफरेंट जो है ना वो कर सकते हो, और आप उसके अंदर ना मुझे मैसेज के अंदर ना सजेशन भी दे सकते हैं, इफ यू हैव माई फोन नंबर, लाइक व्हाट्सएप पे मुझे आप सजेशन दे कि हम नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे बात करें, देन वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। सो इफ समबडी हैव नो क्वेश्चन, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको ऑफ करते हैं, और नेक्स्ट वीक आप लोग सब लोगों से मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन है किसी का? मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, थैंक यू सो मच बिंदे सही का, थैंक यू सो मच, मैंने अपना नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन किसी का है कोई सजेशन होती है आप उसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी हमने दो तीन ज्वाइन तब प्रोबेबिलिटी टॉपिक पे जी मैं करूंगी, इस पे मुझे थोड़ी सी जो है ना, मैं कुछ जो टॉपिक है ना प्रोबेबिलिटी का, इसमें थोड़ा सा जो है ना असल में कुछ कंटेंट बनाना चाह रही हूँ। सो मुझे बहुत सारे लोगों ने इस पे बात करने के लिए कहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जो मैं चीज लेकर आऊँ तो वैसे जो कि वर्केबल सबके लिए, फिर वर्केबल हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट, वो थोड़ा मैं इसके ऊपर काम करना चाहती हूँ, थोड़ा सा थोड़ा उसका मुझे ना कॉन्टेंट बनाना है इन द फॉर्म ऑफ के बहुत सारे लोगों से जिसको फायदा हो। सो इंशाल्लाह मैं जरूर लेकर आऊंगी, मेरे खुद जहन में टॉपिक चल रहा होता है, ठीक है, प्यूबर्टी का इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे। अनम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? क्या अनम ने अभी हमें ज्वाइन किया, अभी अभी ज्वाइन किया, जी आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। बार डेफिनेटली खत्म होने वाला आई वुड जी, बोले कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो कोई जी एक्चुअली मैं सॉरी शुरू से सुन नहीं पाई। बात नहीं। ऑब्वियसली दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो आई जस्ट ज्वाइन राइट नाउ, ओके सो आप आई ही विल थॉट वेट द दैट रिकॉर्डिंग, ओके, और इंशाल्लाह यू ज्वाइन अस इन द नेक्स्ट वीक, एंड यू कैन गिव द ओके राइट टॉपिक सजेशंस टू, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हो ना? नहीं, थैंक यू।
आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी, ठीक है? थैंक यू सो मच जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आने का, अल्लाह हाफिज़।